हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिजनेस स्टडी नंबर वन। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में पूर्णांक का जोड़ करना सीखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टाइप का जोड़ बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको भिन्न में पूरा पूरा बदलना होगा। कहने का मतलब दोस्तों, देखिए यहाँ पर तीन पूर्णांक दो बट्टा पाँच प्लस दो पूर्णांक तीन बट्टा दस दिया हुआ है, तो इस पूर्णांक को आपको हटाना होगा। तो कैसे हटाएंगे, तो चलिए बताते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए नीचे वाले को इस पूर्णांक के साथ गुना करके और ऊपर वाले के साथ जोड़ देंगे। कहने का मतलब हर के साथ उसको गुना करेंगे और अंश के साथ जोड़ देंगे। तो पाँच को तीन से गुना करेंगे और दो उसमें जोड़ देंगे, तो पाँच तीन पंद्रह और दो क्या हो जाएगा, सत्रह। लिखेंगे सत्रह और बट्टा में पाँच है तो पाँच लिख देंगे। फिर प्लस का चिन्ह है दोस्तों, तो प्लस दे देंगे। अब उसमें भी उसी प्रकार से करेंगे, क्या करेंगे, दस को दो से गुना कर देंगे और इसमें तीन जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, दस दूना बीस और तीन तेईस हो जाएगा। तो लिखेंगे तेईस और बट्टा में क्या है, दस है, तो दस लिख देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसको देखिए भिन्न वाला जोड़ कर दीजिए। तो क्या करेंगे, नीचे वाले को एलसीएम ले लेंगे, तो पाँच और दस का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो पाँच और दस का एलसीएम दस हो जाएगा, यही ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, पाँच से भाग इस दस में देंगे, तो कितना बार में लगेगा, दो बार में, पाँच दूना दस दो बार में, और उस दो को गुना कर देंगे इस अंश के साथ, तो सत्रह दूना क्या हो जाएगा, चौंतीस। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे। अब फिर इस दस से इसमें भाग देंगे, तो जितना बार में लगेगा उसको ऊपर वाले के साथ गुना कर देंगे, तो दस से दस में भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, और इस एक से उस तेईस को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में तेईस हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ करके बट्टा में जो है वो लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, चौंतीस और तेईस को जोड़ेंगे तो चौंतीस और तेईस हो जाएगा चार और तीन सात और तीन और दो पाँच, यानी कि ऊपर में संतावन हो जाएगा और नीचे में दस हो जाएगा। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों, इसमें आपको काफ़ी सारा कंफ्यूज रह गया होगा, चलिए एक और करके आपको दिखाते हैं। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, चार पूर्णांक दो बट्टा चार प्लस तीन पूर्णांक दो बट्टा दो प्लस चार पूर्णांक तीन बट्टा आठ। तो उसको भी क्या करेंगे दोस्तों, इस पूर्णांक को भिन्न में बदल लेंगे। तो क्या करेंगे, नीचे वाले को इससे के साथ गुना कर देंगे और ऊपर में जोड़ देंगे, तो चार चौका क्या हो जाएगा, सोलह प्लस दो, सोलह दो अट्ठारह और नीचे में चार, बट्टा में चार है तो चार दे देंगे। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे। उसको भी दोस्तों उसी प्रकार से क्या करेंगे, तीन को दो के साथ गुना करके और ऊपर वाला दो को जोड़ देंगे, तो तीन दूना छः और दो क्या हो जाएगा, आठ, बट्टा में दो है तो दो हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे। फिर उस चार को नीचे वाले के साथ गुना करके और ऊपर वाले के साथ जोड़ देंगे, तो चार अट्ठे क्या हो जाएगा, बत्तीस, बत्तीस में तीन जोड़ेंगे तो पैंतीस हो जाएगा और बट्टा में आठ हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो भिन्न वाला जोड़ होता है उस प्रकार से उसको जोड़ कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो चार दो आठ का एलसीएम क्या हो जाएगा, आठ हो जाएगा, आठ ही होगा ना दोस्तों, चलिए निकाल कर दिखा देते हैं। चार दो आठ, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले दो से भाग देंगे, दो दूना चार, दो एकम दो, दो चौको आठ, अब दो से भाग देंगे, दो एकम दो एक, दो दूना चार, अब सबको गुना कर देंगे, दो दूना चार दूना आठ, तो यही ना आठ हो जाएगा इसका एलसीएम। अब क्या करेंगे दोस्तों, बारी बारी से इसमें भाग देंगे और ऊपर वाले के साथ गुना कर देंगे, जितना बार में भाग लगेगा उसको, तो चार से भाग इस आठ में देंगे तो दो बार में लगेगा और उसको ऊपर वाले के साथ गुना कर देंगे, तो अट्ठारह दूना क्या हो जाएगा, छत्तीस, लिखेंगे छत्तीस। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे। फिर क्या करेंगे दोस्तों, इस आठ में इस दो से भाग देंगे और जितना बार में भाग लगेगा उसको ऊपर वाले के साथ गुना कर देंगे, तो दो से भाग आठ में देंगे तो चार बार में लगेगा और उसको आठ से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आठ चौक बत्तीस, तो बत्तीस लिखेंगे। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे। फिर इस आठ से इस आठ में भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, एक बार में, और उसको ऊपर वाले के साथ गुना कर देंगे, तो पैंतीस को एक से गुना करेंगे तो पैंतीस हो जाएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, तीनों को जोड़ दीजिए और बट्टा में जो है उसको लिख दीजिए, तो छः दो आठ और पाँच कितना हो जाएगा, तेरह, तेरह का तीन लिखेंगे, ठीक है, हासिल एक बच गया। फिर तीन तीन छः तीन नौ, एक जोड़ देंगे हासिल वाला, तो क्या हो जाएगा दस, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक सौ दस बट्टा आठ, यही आपका आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों पूर्णांक वाला जोड़ उसी प्रकार से आप बना सकते हैं किसी भी संख्या का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।